दोस्तों, अगर आप भी तिलक वर्मा और विराट कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे 5 T20 मैचों के सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की विश्व क्रिकेट में जमकर हंसी उड़ाई जा रही है। तो वहीं भारतीय टीम के T20 कप्तान हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ने हार्दिक पांड्या को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जो वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम को अपनी लाज बचानी है तो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल और मुकेश कुमार के स्थान पर इन खिलाड़ियों को बनाओ प्लेइंग 11 का हिस्सा, वरना तीसरे T20 मुकाबले में भी वेस्टइंडीज के हाथों हारने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि वेस्टइंडीज के हाथों पहला T20 मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और भारतीय टीम को 2-2 वर्ल्ड कप दिलाने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान हार्दिक पांड्या को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के स्थान पर हार्दिक पांड्या इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए। लेकिन हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी की बातों को अनसुना कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय टीम को पहले मुकाबले के साथ साथ दूसरे मुकाबले में भी वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो आखिरकार कौन है वो दोनों खतरनाक खिलाड़ी जिन्हें कप्तान हार्दिक पांड्या ने महेंद्र सिंह धोनी के कहने के बाद भी भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया था, जिसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। और वहीं जब कप्तान हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर ने आड़े हाथों लिया, तब जाकर हार्दिक पांड्या ने इन दोनों खिलाड़ियों को तीसरे T20 मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। दिखाएंगे इन खिलाड़ियों का पूरा वीडियो, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या 5 T20 मैचों की सीरीज में लगातार 2 मुकाबला हारने के बाद भी भारतीय टीम वापसी करके इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगी? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारतीय टीम को इस पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के हाथों 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला 6 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात के 8 बजे से खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के सामने 152 रनों का लक्ष्य दिया था। पहले मुकाबले की तरह इस मैच में भी भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर एक बार पूरी तरीके से फिर फ्लॉप रहा, जिसमें भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने महज 7 रनों का योगदान दिया। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने महज 1 रनों का योगदान दिया। हालांकि इस मुकाबले में ईशान किशन ने 27 रनों की पारी खेलकर थोड़ी देर संघर्ष जरूर किया था। तो वहीं भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की तरह भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर भी एक बार फिर से इस मुकाबले में संघर्ष करता नजर आया, जहां पर संजू सैमसंग ने महज 7 रनों का योगदान दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या भी 24 रनों की पारी खेलकर संघर्ष करते नजर आए। हालांकि पहले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी इन 5 T20 मैचों की सीरीज के जरिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज करने वाले तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर सामने आया और 41 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को 152 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम से मिले 152 रनों के लक्ष्य को वेस्टइंडीज ने महज 18.5 ओवर में ही हासिल करके इन 5 T20 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पुरन ने सर्वाधिक 66 रनों की पारी खेली थी। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज से मिले लगातार दूसरे हार के बाद भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने वेस्टइंडीज के हाथों भारतीय टीम को मिली लगातार दूसरी हार का जिम्मेदार इन दिग्गजों ने भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को ठहराया। इन दिग्गजों ने कहा कि कप्तान हार्दिक पांड्या के खराब फैसले की वजह से भारतीय टीम को दूसरे T20 मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। खास करके गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि पहले मुकाबले में हारने के बाद भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या से कहा था कि दूसरे T20 मुकाबले में शुभमन गिल की जगह पर यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार की जगह पर आवेश खान को भारतीय टीम में शामिल किया जाए, क्योंकि शुभमन गिल के पिछले 7 मुकाबलों की बात किया जाए तो गिल के पिछले 7 मुकाबलों में जिनमें 2 टेस्ट और 3 वनडे और 2 T20 पारियों में गिल के बल्ले से महज 1 अर्धशतकीय पारी आई है, बाकी के 6 अन्य मुकाबलों में कोई भी प्रभावशाली पारी नहीं आई है। तो वहीं गिल के स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी ने टाटा IPL 2023 में अपने बल्लेबाजी से जबरदस्त तबाही मचाने वाले और वेस्टइंडीज में खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज और अपने डेब्यू मुकाबले में ही शानदार शतकीय पारी खेलने वाले युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में शामिल करने की बात कही थी। यशस्वी जायसवाल के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार के स्थान पर आवेश खान को टीम में शामिल करने की बात कही थी, जिसको नजरअंदाज करते हुए हार्दिक पांड्या ने टीम में बदलाव किया।
लेकिन इस बदलाव में हार्दिक पांड्या ने खतरनाक गेंदबाजी कर रहे और शानदार फॉर्म में चल रहे कुलदीप यादव को ही टीम से बाहर का रास्ता दिखाया और कुलदीप यादव की जगह पर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रवि बिश्नोई अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में भारतीय टीम को कोई भी सफलता नहीं दिला पाए दूसरे मुकाबले में, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम हार गई। वेस्ट इंडीज जैसे कमजोर टीम जो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, जिसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीमें लगातार मुकाबलों में हरा रही है, उन टीमों के हाथों भारतीय टीम को लगातार मिली दूसरी हार के बाद पूरा विश्व क्रिकेट भारतीय टीम के ऊपर हंस रहा है। भारतीय टीम के इस अचक हसाई को देखकर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा कप्तान हार्दिक पांड्या पर फूट पड़ा और भारतीय टीम की इस जगहसाई को देखकर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा कप्तान हार्दिक पांड्या पर फूट पड़ा और भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे मुकाबले में कोच राहुल द्रविड़ और हार्दिक पांड्या को सख्त निर्देश दे दिया कि इस तीसरे टी20 मुकाबले में गिल के स्थान पर यशस्वी जायसवाल और मुकेश के स्थान पर आवेश खान को तो वहीं रवि बिश्नोई की जगह पर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जाए। सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के इस सख्त बयान के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और कोच राहुल द्रविड़ को अपनी भूल का एहसास हुआ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 अगस्त को खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने गिल के स्थान पर यशस्वी जायसवाल और मुकेश कुमार के स्थान पर आवेश खान को टीम में शामिल करके कुछ इस प्रकार से घोषित की। तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 को कप्तान हार्दिक पांड्या, उप कप्तान सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, योगेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और आवेश खान। साथियों भारत की इस प्लेइंग 11 को देखकर आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को तीसरे टी20 मुकाबले में हराकर वापसी कर पाएगी सीरीज?